हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नहीं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 43 इंच के 4K टीवीज के बारे में, जो आप अंडर 30,000 आराम से ले लेंगे। और ये सभी टीवीज बेस्ट है, आप इनमें से कोई सा ही बाय कर सकते हैं। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई इस समय नया टीवी लेने के बारे में सोच रहा है आपके फैमिली या फ्रेंड्स में, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल योर टेक जोन में। फ्रेंड्स, टीवीज के बारे में बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको इन टीवीज के बारे में जरूर जाननी चाहिए। सबसे पहले तो इनमें से मैक्सिमम टीवीज आपको सेम पैनल्स के मिलेंगे, बट फिर भी सभी की पिक्चर क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सेम पैनल का ये मतलब नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी भी सेम मिलेगी। दूसरी बात है ब्राइटनेस। ज्यादा ब्राइटनेस का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको उसे पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिले, कम ब्राइटनेस में भी आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी एंड अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मिल सकता है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको टीवी देखते हुए एकदम सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक साउंड बार अपनी टीवी में जरूर लगाएं। एंड अगर आपको एक साउंड बार लेना है, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। बट फिलहाल इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। सो फ्रेंड्स, एट नंबर 5 पोजीशन पर आता है वन प्लस के वाई सीरीज का Y1S Pro। तो फ्रेंड्स, ये टीवी का डिजाइन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल बेजललेस डिजाइन के साथ में मिलता है। एंड मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इसके लुक से इम्प्रेस हुए बिना आप नहीं रह सकते हैं। पैनल की बात करें तो आपको इसमें 8-bit FRC VA/DLED पैनल देखने को मिलता है। एंड इसकी ब्राइटनेस भी आपको कमाल की मिलती है, अप्रोक्स 410 nits का ब्राइटनेस आपको इसे मिलता है, जो कि इस लिस्ट का सबसे ज्यादा ब्राइटनेस वाला टीवी ये बन जाता है। बट ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिले, ज्यादा अच्छे कलर कॉम्बिनेशन मिले, ये जरूरी नहीं है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिलेगा, एंड 2GB रैम के साथ में 8GB का मेमोरी मिलता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इस लिस्ट में सेम प्राइस रेंज में बाकी की टीवियां आपको 2GB के साथ में 16GB का रैम प्रोवाइड करती हैं, बट इसमें आपको ओनली 8GB का मेमोरी मिलता है, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। साउंड क्वालिटी में आपको 24 वॉट के आउटपुट के साथ ही डॉल्बी एटमोस की डिकोडिंग भी देखने को मिलती है, तो साउंड आपको काफी बढ़िया ये प्रोवाइड करा देता है। बट जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अगर एक सिनेमा हॉल वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें एक साउंड बार लगाइए, तो आपको जो टीवी है देखने में बिल्कुल मजा आ जाएगा। कनेक्टिविटी में आपको सारे ही जरूरी कनेक्शन के लिए पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, 5.0 का ब्लूटूथ कनेक्शन एंड साथ में आपको डुअल बैंड वाईफाई का इसमें कनेक्शन भी मिल जाता है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी मिलेगा एंड साथ ही OTT के बहुत सारे एप्स आपको इसमें मिल जाते हैं, सो आप इजिली सारे OTTs को एंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस अप्रॉक्स 30,000 रुपीज होता है, बट इस समय आपको ओनली 2,699 रुपीज मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट आप जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, एट नंबर 4 पोजीशन पर आता है रेडमी की तरफ से आने वाला ये वाला एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी। एंड इसका जो मॉडल नंबर एंड बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप वहां से चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल इसके पैनल की बात करें तो आपको 8-bit FRC VA/DLED पैनल देखने को इसे मिलता है, जो कि OnePlus में भी आपको सेम पैनल का यूज किया गया था। ब्राइटनेस इसमें आपको अप्रोक्स 350 nits की मिलती है, जो कि OnePlus से कम है, बट फिर भी इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो आपको ज्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड कलर्स भी इसमें ज्यादा बढ़िया आपको मिल जाते हैं। ये टीवी सपोर्ट करता है HDR10, HLG और डॉल्बी विजन को, सो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आपको देखने को मिलती है, इसमें आपको शिकायत नहीं होगी। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको मिलता है एंड आप इसे 178 डिग्री तक का व्यू एंगल भी देख सकते हैं। एंड्रॉइड 10 के सपोर्ट के साथ में ये आपको 2GB रैम एंड 16GB का स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। साउंड में आपको 30 वॉट के आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट भी मिलता है, तो साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया इसमें आपको मिल जाती है। कनेक्टिविटी में आपको डुअल बैंड वाईफाई के साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, 3 HDMI पोर्ट्स एंड 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, सो इम्पोर्टेंट सारे ही कनेक्शन आपको इसमें मिल जाएंगे। साथ में आपको मिलेगा ओके गूगल का सपोर्ट,
प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे आप बहुत सारे ऐप्स इसमें इंस्टॉल करके और इंजॉय कर सकते हैं। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस होता है लगभग 27,000 रुपये, इस समय आपको 24,999 रुपये मिल जाएगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके चेकआउट आप एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आती है तो आप उसे डायरेक्टली वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आपके प्राइस में 1 रुपये का भी चेंजेस नहीं होगा। फ्रेंड्स, एट नंबर 3 पोजीशन पर आता है हाईसेंस की तरफ से आने वाला बेजल लेस सीरीज का A6H मॉडल। इस टीवी में आपको एकदम बेजल लेस डिजाइन देखने को मिलता है एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आपको प्रोवाइड कराता है। सो ओवरऑल लुक एंड बिल्ड क्वालिटी से तो आपको एकदम इसके प्यार हो जाने वाला है। इसमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है, साथ में आपको 370 nits तक का ब्राइटनेस मिल जाता है। इसमें आपको HDR10, HLG एंड Dolby Vision का डिकोडिंग देखने को मिलता है एंड अप्रॉक्स 1 billion कलर्स देखने को इसमें आपको मिल जाते हैं। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको आता है एंड ये गूगल TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। 2GB रैम एंड 16GB स्टोरेज के साथ में आपको मिलेगा। साउंड क्वालिटी में आपको 20W के आउटपुट के साथ में Dolby Atmos का सपोर्ट मिल जाता है, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है। बट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए एक साउंड बार आप प्रेफर कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको डुअल बैंड वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.1 का वायरलेस कनेक्शन देखने को भी मिल जाता है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव, प्राइम वीडियोस, इन सभी के अलावा आप बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स इसमें इंजॉय कर सकते हैं। हाईसेंस के इस मॉडल में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस अप्रॉक्स 28,000 से लेकर 30,000 के बीच में रहता है, बट इस समय सेल में ये आपको 22,990 रुपीज मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट कर लीजिए यार, क्योंकि टीवी ये भी बहुत बढ़िया है लुक वाइज भी एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी वगैरह भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नेक्स्ट एट नंबर 2 पर आता है फ्रेंड्स सैमसंग की तरफ से आने वाला क्रिस्टल 4 के न्यू सीरीज, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ है एंड बहुत ही बढ़िया टीवी है। ये प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है एंड आपको इसमें प्लास्टिक के स्टैंड्स मिल जाएंगे, साथ में हल्की सी बेजल्स भी देखने को मिलती है, बट ओवरऑल टीवी देखने में सुंदर लगता है। इस टीवी को आप एक बढ़िया गेमिंग ऑप्शन के रूप में रख सकते हैं। इसमें आपको VA पैनल देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 8-bit FRC VA पैनल देखने को मिलेगा, साथ ही आपको इसमें HDR10, HLG एंड HDR10 प्लस का सपोर्ट मिलता है। ब्राइटनेस अप्रॉक्स आपको 340 nits की मिलती है एंड ये पैनल बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इसके HDR10 प्लस की परफॉर्मेंस एंड इसके पैनल का जो कलर कॉम्बिनेशन और जो पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, उससे इम्प्रेस हुए बिना आप बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ये कलर्स एंड पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराता है 340 nits के ब्राइटनेस के बाद भी। 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ही आपको मिलता है एंड 4000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिलता है, तो जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ही कमाल के आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। 1.5GB रैम एंड 8GB के स्टोरेज के साथ आता है। 30W के आउटपुट के साथ में आपको इसमें Dolby Digital Plus का सपोर्ट देखने को मिलता है। कनेक्टिविटी में 3 HDMI पोर्ट्स, 1 USB पोर्ट, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट और साथ में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी के सारे ही ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। 1 ईयर की वारंटी के साथ में आपको मिलेगा। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस अप्रॉक्स 33,500 रुपीज होता है, बट इस समय आपको 30,970 रुपीज मिल जाएगा, जो कि 30,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, बट जो पिक्चर क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराता है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, एक बार जाके आप चेकआउट इसे जरूर कीजिएगा मेरे रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट नंबर 1 पोजीशन पर आता है फ्रेंड्स LG की तरफ से आने वाला ये 4K स्मार्ट टीवी। इसका मॉडल नंबर एंड बाकी के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से मिल जाएंगे, बट फिलहाल इसके हम डिजाइन की बात करें तो इसका बेजल का डिजाइन आपको थोड़ा सा थिक मिलता है। थिक का मतलब कि 2022 में जितने भी टीवीज लॉन्च हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लिम एंड थिन डिजाइन के लॉन्च हो रहे हैं, उनके कंपैरिजन में इसके बेजल का डिजाइन थोड़ा सा थिक है, बट टीवी में बेजल से कहीं ज्यादा मैटर करता है उसकी पिक्चर क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन एंड इस टीवी में वो आपको बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मिलता है। इसमें आपको IPS पैनल देखने को मिलता है एंड 400 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, साथ ही इसके मोशन का ब्लर भी आपको बिल्कुल न के बराबर देखने को मिलेगा एंड इससे कलर्स की परफॉर्मेंस भी बहुत ही जबरदस्त मिलती है, आप बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि ये एक IPS पैनल है तो अगर आप इसे कमरों के कोनों से भी यानी कि साइड व्यू भी अगर आप इसमें करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कलर लॉस आपको नहीं मिलता है। इसमें आपको HDR10, HDR10 Pro एंड HLG का सपोर्ट मिलता है
एंड इसके पैनल का परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का मिलता है। 20 वॉट का आउटपुट 2.0 चैनल स्पीकर के साथ आपको मिलता है, जो कि एक मीडियम टू स्मॉल रूम के लिए तो ठीक है, बट अगर आप बड़े कमरे में इसे लगा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है कि आप सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए साउंड बार लगा सकते हैं। कनेक्टिविटी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स, एक USB पोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट एंड डुअल बैंड वाईफाई का कनेक्शन मिल जाता है। इसमें आपको LG का वेब OS देखने को मिलता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये Android OS नहीं है, बट आप इसमें सारे ही OTT प्लेटफॉर्म्स इंजॉय कर सकते हैं। इनमें आपको काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि Amazon Prime, Netflix वगैरह प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। नॉर्मल डेज में इसका प्राइस आपको अप्रॉक्स 32,000 तक का पड़ता है, बट इस समय ये आपको 28,990 रुपीज में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इस जाकर उसे बाय भी कर सकते हैं। नाउ फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपको कोई ऐसा टीवी चाहिए जो कि दिखने में बहुत ज्यादा शानदार हो, जिसके बेजल्स एकदम ना के बराबर हो, तो आप वन प्लस या हाईसेंस में से कोई सा ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी हाईसेंस के लिए। उसका लुक बहुत ही अच्छा आपको मिलता है, बट अगर आपको बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है आपके लिए मैटर करती है, तो फिर आप सैमसंग या LG में से कोई सा भी ले सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको LG का रिकमेंड करूंगी, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी एंड कलर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का मिलता है। Redmi भी एक अच्छा कंपनी है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, उसे भी आप एक ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 5 टीवी जो इस समय 2022 में आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के एंड परफॉर्मेंस के मिल जाएंगे। सभी के बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई सा भी ऑर्डर करना हो तो आप वहाँ डायरेक्ट उसे ऑर्डर भी कर सकते हैं, आपकी प्राइस में 1 रुपये का चेंजेस नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद।